पिछले के अपने जो वीडियो थे जिसमें अपन ने गैलेक्सी की बात की थी, उससे आगे से आज शुरू करते हैं। आज का जो अपना गैलेक्सी का है वो है पार्ट थ्री। आज अपना पार्ट थ्री का है, तो अपन पहले से थोड़ा सा इसको रिपीट वापस कर लेते हैं ताकि समझ में अच्छे से आएगा। पहले अपन ने पढ़ा था कि गैलेक्सी क्या होती है, मिल्की वे किसे कहते हैं। मिल्की वे जो होता है जहाँ पे अपन रहते हैं उसी को मिल्की वे कहते हैं। अपन जहाँ रहते हैं उसको हम अपना नया नाम दे देते हैं, जहाँ पर भी अपन घर लेते हैं उसको नाम दे देते हैं। तो अपन जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसको भी अपन ने नाम ले लिया मिल्की वे। तो अब होता क्या है, मिल्की वे है, मिल्की वे के अंदर ही अपना सूरज है जो बिल्कुल आउटर मोस्ट के अंदर होता है मिल्की वे के गैलेक्सी। अब इस सूरज से बिल्कुल पास का स्टार है जिसको हम प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। हमारी गैलेक्सी के बिल्कुल पास वाली गैलेक्सी है, बिल्कुल नियर टू आर गैलेक्सी इज नोन एज एंड्रोमेडा और देवयानी, जिसको हम हिंदी में देवयानी कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट नियरेस्ट गैलेक्सी टू आर मिल्की वे, नेक्स्ट बिल्कुल नेक्स्ट मतलब इसको हम कहते हैं सेकेंड मोस्ट नियरेस्ट गैलेक्सी टू आर मिल्की वे इज कॉल्ड NGC 33, जिसको हम NGC 33 कहते हैं। इसके अलावा सूरज के बिल्कुल पास के अंदर जो सबसे शाइनिंग स्टार ऑफ आवर गैलेक्सी जो है, सूरज के पास में, उसको हम कहते हैं डॉग स्टार या साइप्रस या डॉग स्टार है। वो सबसे ज्यादा शाइनिंग स्टार है अपनी गैलेक्सी का। अब इसके अलावा अपनी गैलेक्सी का सबसे कोल्डेस्ट स्टार ऑफ आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड ओरियन नेबुला है वो अपनी गैलेक्सी का सबसे ठंडा तारा है। उसकी अपन ने बात की थोड़ा बहुत मैंने और इसको चीज़ें ऐड कर दी जो मैंने पहले भी बताई थी। इसके अलावा जो गैलेक्सी के आउटर मोस्ट पार्ट के अलावा जो इनर मोस्ट पार्ट होता है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तारे पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा तारे गुच्छों के अंदर। तो सबसे ज़्यादा ब्लैक होल भी नेचुरल पार्ट है, बीच के अंदर ही बनता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तारे जहाँ होते हैं वहीं ब्लैक होल बनते हैं, जो स्टार होते हैं वही ब्लैक होल बनते हैं। तो जो इसका इनर पार्ट है, इसका इनर पार्ट ऑफ एनी गैलेक्सी इज नोन एज बल्ज, उसको हम बल्ज कहते हैं, वेयर मोस्ट ऑफ द स्टार्स लाइज या फॉर्म, उसको हम कहते हैं बल्ज। चलिए ये तो खत्म हो गया, हम आते हैं हमारे मिल्की वे के ऊपर। लेट्स कम टू आवर ओन गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे। अब मिल्की वे के अंदर अपना होता है सन आउटर मोस्ट, ये सन पूरी गैलेक्सी के चक्कर लगाता है। अब इसके अलावा सन के पास में कौन है, 8 प्लैनेट्स जिसको हम हमारा सोलर सिस्टम कहते हैं। पहले ये प्लैनेट्स नाइन थे बट नाउ दे आर बिकम 8, इसको अब 8 कर दिया गया। अब अगर गैलेक्सी सोलर सिस्टम के बाहर अगर हम बात करते हैं तो आते हैं नक्षत्र। नक्षत्र कितने तरह के होते हैं, ग्रुप ऑफ 27 स्टार इज नोन एज नक्षत्र। जितने भी पंडित लोग होते हैं ना कुंडलियां देखते हैं, कुंडलियां देख के अरे आपका ये नक्षत्र ठीक नहीं है, आपका वो नक्षत्र ठीक नहीं है, तो ये सारे तारे होते हैं, 27 तारों का एक ग्रुप होता है जिसको हम नक्षत्र कहते हैं। ये विजिबल नक्षत्र हमको विजिबल होते हैं, हम रात को ऐसे ऊपर करके तारे गिनते हैं ना, अरे ये तो वो विजिबल होते हैं क्योंकि अपने बहुत पास के अंदर होते हैं। अब इससे अगर हम दूरी पर चलते हैं तो ये आता है कॉन्स्टिलेशन, द स्टार विच इज वेरी फार फ्रॉम आर अर्थ और वेरी फार फ्रॉम आर सन इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन को हम ये बोल सकते हैं कि 89 ग्रुप्स ऑफ स्टार होते हैं, 89 ग्रुप ऑफ स्टार, और हो सकता है एक ही ग्रुप ऑफ स्टार के अंदर 16 to 17 स्टार्स हो, ये 89 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टार्स होते हैं। जैसे ओरियन इज अ कॉन्स्टिलेशन, या जैसे अपन कह सकते हैं सप्तऋषि सात तारों का एक ग्रुप बनता है, उसको हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो ये कॉन्स्टिलेशन होता है। तो बेसिकली स्पेस के अंदर जो है ना वो यही चीज है, अब आगे की वीडियो में अपन कुछ साइंटिस्ट की बात करेंगे, कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने बताया था कि अर्थ सन के आगे घूमती है या क्या है, आगे हम उसकी बात करेंगे। इसके अलावा वापस से एक बार अपन जल्दी जल्दी इस चीज़ को रिपीट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से और समझ में आ जाए। तो है कुछ भी नहीं, बेसिकली आकाशगंगा
गैलेक्सी और स्पेस, स्पेस के अंदर ही गैलेक्सी है, सबसे पहले स्पेस आता है फिर गैलेक्सी आती है। गैलेक्सी को हम हिंदी के अंदर कहते हैं आकाशगंगा, जो हमारी आकाशगंगा है उसको हम मिल्की वे कहते हैं। द नियरेस्ट गैलेक्सी टू आर मिल्की वे, जो हमारे सबसे नज़दीक है, इज नोन एज एंड्रोमेडा या देवयानी, इसको हम हिंदी में कहते हैं। द सेकेंड मोस्ट नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर गैलेक्सी इज नोन एज NGC 33। इसके अलावा हमारी गैलेक्सी के अंदर सबसे शाइनिंग स्टार कौन सा है, द मोस्ट शाइनिंग स्टार टू आर मिल्की वे इज नोन एज डॉग स्टार और साइरस। इसके अलावा सन से बिल्कुल द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सन इज नोन एज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। द ओल्डेस्ट स्टार, द ओल्डेस्ट स्टार ऑफ आवर मिल्की वे ऑफ आवर गैलेक्सी इज नोन एज ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला। इसके अलावा जो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द गैलेक्सी उसको कहते हैं बंच, उसको हम कहते हैं बंच। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, इसके आगे की क्लास हम फिर पार्ट फोर में शुरू करेंगे। तो इसको आप देखिए, एक बार देख लीजिए, मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी इसकी आगे की क्लास देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक, कमेंट एंड बेल की घंटी बजाना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।